चाणक्य IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है हैदराबाद मुक्ति दिवस के बारे में। तो आइए जानते हैं कि हैदराबाद मुक्ति दिवस क्या है। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य विचाराधीन क्षेत्र और पूरे भारत में वर्तमान पीढ़ी के बीच प्रतिरोध, वीरता और बलिदान की कहानी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आज़ादी से पहले हैदराबाद निज़ाम के शासन के अधीन था और सेना ने ऑपरेशन पोलो नाम से इसकी मुक्ति के लिए अभियान शुरू किया था, जो 17 सितंबर 1948 को समाप्त हुआ था। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं कि विभाजन के बाद का इतिहास क्या है हैदराबाद को लेकर। 1947 में जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ दिया तो उन्होंने रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया। उस समय भारत में 565 रियासतों में से 562 ने भारत में शामिल होने का फैसला किया था, लेकिन कुछ रियासतें थीं जो स्वतंत्र रहना चाहती थीं, जिनमें 3 रियासतें प्रमुख थीं। ये 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर थी, जो ना तो भारत में एकीकृत हुई और ना ही ऐसा करने में कोई उन्होंने दिलचस्पी दिखाई। फिर उसके बाद में शुरू होता है ऑपरेशन पोलो। तो आइए जानते हैं ऑपरेशन पोलो के बारे में कि ये क्या है। हैदराबाद राज्य निज़ाम के अधीन था, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिसमें संपूर्ण वर्तमान महाराष्ट्र में मराठवाड़ क्षेत्र और वर्तमान कर्नाटक में बिदर शामिल थे, जिनमें से सभी के बड़े पैमाने पर हिंदू आबादी थी। यानी कि ये पूरा एरिया हैदराबाद में शामिल था और यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदू थी। हैदराबाद के निज़ाम ने अपनी संप्रभुता बनाए रखने की आशा की और स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय के विचार का विरोध किया। उस्मान अली खान आसफ जहां 7th हैदराबाद रियासत के अंतिम निज़ाम को 1947 में भारत में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को निज़ाम ने हैदराबाद को एक संप्रभु राज्य घोषित किया और इससे तनाव बढ़ गया, सांप्रदायिक झड़पें भी होने लगी। भारत नहीं चाहता था कि हैदराबाद स्वतंत्र रहे, इस डर से कि इससे देश का संतुलन बिगड़ जाएगा। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने एक स्वतंत्र हैदराबाद की अवधारणा को भारत के दिल में एक अल्सर के रूप में संदर्भित किया, जिसे शल्य चिकित्सा द्वारा हटाने की आवश्यकता थी। ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया। 5 दिवसीय संघर्ष में भारतीय सेना ने हैदराबाद पर कब्जा कर लिया और निज़ाम को निर्णायक रूप से हराकर इसे पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में एकीकृत कर लिया गया। तो इस तरीके से ऑपरेशन पोलो के सहारे भारत ने हैदराबाद को भारत में मिलाया। अब बात करेंगे हैदराबाद के निज़ाम के बारे में, इनके इतिहास के बारे में। तो हैदराबाद स्टेट एक पूर्व राजशाही थी, जिसका विस्तार 3 वर्तमान भारतीय राज्यों में था। पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। इसका विस्तार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में था। निज़ामुल मुल्क, जिसे अक्सर संक्षेप में सिर्फ निज़ाम ही कहा जाता है और जिसका अर्थ उर्दू भाषा में क्षेत्र का प्रशासक होता है, हैदराबाद रियासत के स्थानीय संप्रभु शासकों की पदवी को कहा जाता है। ये निज़ाम 1719 से हैदराबाद रियासत के शासक थे और आशफ जाही राजवंश से संबंधित थे। इस राजवंश की स्थापना मीर कमर उद्दीन सिद्दीकी ने की थी, जो 1713 से 1721 के बीच मुगल साम्राज्य के दक्कन क्षेत्र के सूबेदार थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया तो युवा आसफ जहां ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया। 1798 से हैदराबाद ब्रिटिश भारत की रियासतों में से एक था, लेकिन उसने अपने आंतरिक मामलों पर अपना नियंत्रण बनाए रखा था। 7 निज़ामों ने लगभग 2 शताब्दियों यानी 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक हैदराबाद पर शासन किया।
जो कि सातवें निज़ाम मीर उस्मान अली खान थे, तो निज़ाम ने हैदराबाद पर 17 सितंबर 1948 तक शासन किया, जब इन्होंने भारतीय बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया और इसके द्वारा शासित क्षेत्र को भारतीय संघ में एकीकृत किया। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इसके साथ ही धन्यवाद, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।